सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब को जाने वाले रास्तों की सफाई, वातावरण और कुदरती स्रोतों के संरक्षण के साथ सांप्रदायिक कार सेवा भूरीवालों की ओर से नौजवानों को सेहत के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ समाज के सृजन के मिशन के साथ 2 अप्रैल को हाफ मैराथन करवाई जा रही है, जिस संबंधी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उक्त बात का प्रगटावा संत बाबा कश्मीर सिंह भूरीवालों ने तरन तारण रोड पर स्थित डेरा कार सेवा संत भूरीवालों में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि हाफ मैराथन वेरका बाईपास से आरंभ होकर फतेहगढ़, शुक्रचक और कोठिया नहर के पुल से वापस वेरका बाईपास में आकर संपन्न होगी। इस दौड़ के लिए अलग अलग कैटेगरी में 3,000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और पंजाब के अलावा हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान से भी अलग अलग प्रोफेशनल एथलेटिक्स ग्रुप में इसमें शामिल होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सब नु फतेह बुलाना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज ने भावें साडी ड्यूटी जिहड़ी आ गुरु धामां दी सेवा वास्ते लाई, गुरु दीआं संगतां दी सेवा वास्ते लाई आ। वख वख इतिहासक जिहड़े गुरु घर ने, गुरद्वारे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਰਾਥਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 55-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਜਵਾਨ ਬਿਰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਵਾਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਜਲ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੇਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਫੌਜੀ, श्री राम जैसे किरदार बड़े ही मनमोहक ढंग से निभाए। इस अवसर पर बच्चों को क्यूट बेबी, हेल्दी बेबी, एक्टिव बेबी, स्मार्ट बेबी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल मुस्कान कपूर और स्कूल के डायरेक्टर विक्रांत कपूर ने कहा कि एंजल पैराडाइज स्कूल पिछले 57 वर्षों से ये शो आयोजित कर रहा है। ये शो बच्चों में पूर्ण विकास के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम मुस्कान कपूर है, मैं एंजल्स पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज बिरसा विहार ऑडिटोरियम में हमारा 57th ग्रैंड बेबी शो हमने आयोजित किया है, जहाँ 6 महीने से लेकर 2.5 साल के बच्चों ने, जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पूरा परिवार आज आया है और स्टेज पे सभी ने बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन दी है, परफॉर्म किया है, और ये हमारा 57th ग्रैंड बेबी शो है। मैं ये देना चाहती हूँ, जितना जल्दी हम बच्चों को स्टेज एक्सपोजर देते हैं, पब्लिक एक्सपोजर देते हैं, उतना कॉन्फिडेंस उनमें बनता है और आगे चलकर और भी काफी एक्टिविटीज में बच्चे कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे तो टैलेंटेड होते ही हैं, जैसे एक माली होता है वो फुल पौधों का ध्यान रखता है, वैसे हमने बच्चों का ध्यान रखना है। टैलेंटेड तो बच्चे हैं ही, पर जब हम उनको स्टेज एक्सपोजर देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आजकल रील्स बना लेते हैं हम, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर उनको कॉन्फिडेंस देना है जीवन में तो स्टेज की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। का मकसद ये होता है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो 6 महीने, साल, 2 साल के होते हैं, उनको लाइफ का पहला स्टेज एक्सपोजर दें। बिकॉज हर मम्मी पापा को, फैमिली को अपने बच्चे बड़े यूनिक और बहुत प्यारे लगते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी खूबी दुनिया को पता चले, कि वो अच्छा डांस करते हैं, सुमर में तोतली भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बॉडी पार्ट्स बताते हैं। और कई बार माँ बाप को ऐसे भी होता है कि हमने बच्चे को श्री कृष्ण बनाना है, श्री राम बनाना है, सुभाष चंद्र बोस बनाना है, या कोई राजा महाराजा बनाना है, तो जो उनकी उनकी फैंटेसी होती है वो बच्चे में डाल के बनाते हैं। और ये बच्चे के लिए पहला स्टेज एक्सपोजर होता है, ताकि बचपन से उसके मन में स्टेज फेयर जो है वो निकल जाए। सर एज ग्रुप होता है 6 महीने से लेकर 2.5 साल के बच्चे, वो बच्चे जो अभी तक स्कूल भी जाना नहीं शुरू हुए हैं, बिकॉज स्कूल में जब जाते हैं तब तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पर ये छोटे बच्चों को जब घर में होते हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एज हमने, आपने देखा होगा कि एंजल्स पैराडाइज इन बच्चों को बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जहाँ पे बच्चे आके अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, मम्मी पापा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक सुंदर माहौल बन रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, बच्चे की जो ब्रेन ग्रोथ होती है मैक्सिमम 6 इयर्स तक होती है। जितना भी एक्सपोजर बच्चे को 6 साल की उम्र से पहले दे सकते हैं, जब से वो पैदा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का, अच्छी एजुकेशन का एक्सपोजर हो, चाहे टैलेंट का हो, चाहे स्टेज का हो, जितनी जल्दी देंगे, जितना ज्यादा देंगे, बच्चा उतना ही ऑलराउंडर फ्यूचर में बनेगा। जीरा मक्खू और मलावाला के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से एक विशेष मीटिंग का आयोजन एक निजी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मीटिंग में कांग्रेस हाईकमान की ओर से जीरा क्षेत्र से नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर राजवीर सिंह भुल्लर विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजवीर भुल्लर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से राहुल गांधी को लेकर गंदी राजनीति इस्तेमाल की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। अज दा जिहड़ा विषय ते आपां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं राजवीर सिंह भुल्लर, जिन्हों की कांग्रेस पार्टी के प्रधान राजा वड़िंग जी ने कोआर्डीनेटर जिला जी हलका जीरे का लाया हुआ है, तो पंजाब स्टेट कांग्रेस कमेटी का मैंबर भी, PCC डेलीगेट। अज दा मेन मुद्दा अपना यह है कि जिहड़ा तुहानू सब नू पता ही है कि जो संविधान बचाउण दा एक मुहिम चलाई गई है हिंदुस्तान, जो कि डेमोक्रेसी का एक कतल होया, पहली बार हिंदुस्तान दे विच ये हिस्टरी बनाई है BJP ने, जिन्हों एक सरासर धक्का तो राहुल गांधी नाल ते कांग्रेस पार्टी नाल कीता गया। इस साल 2019 का एक वाकया जिदे विच राहुल गांधी जी ने कर्नाटक दी इलैक्शन दे विच एक भाषण दिता सी, जिदे विच कहा गया सी कि जिहड़ा हिंदुस्तान नू लुट्टण वाले मोदी सारे हिंदुस्तान नू लुट लुट के भज के बाहर जा रहे हैं, ते जिस दा कुछ समय बाद इन्हां ने 2019 दे विच उत्तां दे उत्थों दे विधायक ने गुजरात दे जिहदे तों जिन्हां दा नाम सी पुरनिवेश भूतवाला, उन्हां तों एक रिट पवाती गई मानहानि दी कि इन्हां ने जी मोदी प्रधानमंत्री नूं कहा है, जदों कि उन्हां ने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सी, उहदे विच केस दर्ज हो गया मानहानि दा। फिर वह मानहानि दा केस 2021 अक्तूबर दे विच उन्हां ने मानयोग हाई कोर्ट तों परमिशन लैके उहदे ते स्टे करवाता, रोक दिता गया कि मैं इहदी अगे कार्रवाई नहीं करना चाहुंदा। उस तो बाद 2023 दे विच फरवरी 7 फरवरी 2023 राहुल गांधी जी पार्लीमेंट दे विच एक भाषण देंदे हन, जिहदे विच ओह अडानिया दे बारे प्रधानमंत्री नूं सवाल करदे हन कि तुहाडा अडानिया नाल की रिश्ता है, कि हिंदुस्तान दा पैसा, लोकां दा पैसा
एक ही घर दे विच क्यों जा रहा, जिसका कि आपां नूं 20,000 करोड़ का कुछ पता भी लगा सी कि रातों रात ही 20,000 करोड़ की जिहड़ी उहदी संपत्ति दे विच वाधा आया तो दुनिया के अमीर बंदे दे विच आ गया। हुण उही संपत्ति जदों इह सारा कुछ फोर्ब्स की रिपोर्ट तों बाद पता लगा संपत्ति घट भी गई, उस दौरान इन्हां ने उस चीज़ तो औखे हो के दोबारा उस विधायक तो दोबारा उस स्टे दे लई उहनूं वकेट कराया, उहदी रिट की सुनवाई हुई जिहड़ी सुनवाई 27 फरवरी नूं शुरू हुंदी है दोबारा 2023 नूं। ते हिंदुस्तान दे विच भी एक इतिहास रचिया कि मानहानी दे केस विच अज तक किसी नूं 2 साल की सज़ा नहीं, उस सज़ा दे विच 27 फरवरी नूं हुंदी है, 27 मार्च नूं इहदा डिसीजन भी हो जाता, एक महीने तो भी घट समय एक महीने के समय के 27 मार्च नूं इहदा डिसीजन आ जाता है कि राहुल गांधी नूं 2 साल की सज़ा दिती जाती है। 27 मार्च नूं डिसीजन आउंदा ते 24 मार्च नूं लोक सभा दे विच सिकत्तर साहब उन्होंने राहुल गांधी 24 घंटिया के ही नाल उन्हों की जी योग्यता उन्होंने पार्ली मैंबर पार्लीमेंट तो रद्द कर देंगे, जदों की भाजपा के 55% MP जिन्हों के किसी के कतल का किसी के 420 का किसी के कई तरह के परचे कई तरह के केस दर्जन जो चल रहे हैं जिन्होंने अज तक कभी कोई कार्रवाई इन्होंने कोई नहीं की। सो मेरी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेन साड़ी मंशा यही है कि सानू सब नू रल के अज इस मुद्दे के उत्ते हिंदुस्तान दियां बाकी सब पार्टियां कट्ठियां हो गई, उन्होंने फैसला किया कि अज एक बहुत वड्डा लोकतंत्र का कतल है। सो इस करके असी साडे प्रधान जी ने मेरी ड्यूटी लाई सी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो सानू सब नू रल के ये सब नू बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी का कतल है इनू बचाउण लई आपां नूं सब नू रल के एक हमला मारना। पिछले कुछ समय से दलित भाईचारे के साथ हो रहे धक्के और अलग अलग थानों में पेंडिंग पड़े केसों संबंधी भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर कोर कमेटी की ओर से अमृतसर के भंडारी पुल पर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस परमिंदर सिंह भंडाल की ओर से जल्द बनती कार्रवाई करने के आश्वासन के चलते ये धरना स्थगित कर दिया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर कोर कमेटी पंजाब के सीनियर आगुआ वालों जो अज धरना लिखा ही भंडारी पुल का, यह जरा धरना वा अज असी कैंसल कर जा रहे हैं। तो यह जरा धरना इस करके कैंसल किया कि साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े DCP साहब जिन्होंने सानू आश्वासन दिता कि जेडे ताडे अलग अलग थाने दे विच जेडे मसले चलते पे आ उन्होंने एक दो दिनों दे विच विच हल किया जाएगा। हमेशा ही जो भी असी कोई भी समाज का काम करते हाँ असी हमेशा ही भंडाल साहब ने हमेशा साढ़े मतलब हमारा साथ दिता वा और जेडे भी कोई मसले आ बहुत जल्दी हल कर देंगे। मैं जिन्हें भी थाने वाले जिन्हें भी SHO आ सत्कारयोग जिन्हें भी आ असी इन्हों यही बेनती करना चाहते हैं कि जो भी कोई जथेबंदी या कोर कमेटी ताडे को आँदी आ तो तुसी जल्द तो जल्द उन्होंने मसले हल करया करो, सानू मजबूर ना करया करो थाणिया तो बाहर आ के सानू धरने प्रदर्शन करन दी, क्यों असी हमेशा ही प्रशासन का साथ दिने आ ते इन्हां नू भी चाहिए साडा साथ देना। अज मैटर सी जी साढ़े SC एक्ट के परचे सी जिहड़े होए आ ते उन्हां दीआं गिरफ्तारियां नहीं पईआं हुईआं, ठीक है जी। कई मंदरां दे विच साढ़े जिहड़े लोग नशे का व्यापार करते पे आ ते उन्हां नू भी अही नत्थ पाउण वास्ते कहा कि इन्हां दा व्यापार बंद किया जाए इन्हां दोषियों नू जेल च सुट्टिया जाए, मगर अज साहब ने कहा वा ते कहते ही बोल चलते इन्हें कानूनी कार्रवाई करके इन्हों सलाखा के पिछले सुटिया जाएगा जी। जय वाल्मीकि जी। अम्बेडकर कोर कमेटी का मैंबर हाँ और पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इन्होंने सारे साथियों का जो कि अपना पूरा कीमती समय कढ़ के अज इत्थे पहुँचे ने और नाल दे नाल ही धन्यवादी हाँ अमृतसर के लॉ एंड ऑर्डर के जिहड़े DCP साहब ने साडे परम सत्कारयोग DCP भंडाल साहब उन्होंने साडियां जिहड़ियां मुश्किलां सी धरने तो पहला ही जिहड़ा 2 घंटे पहला उन्होंने सानू ऑफिस बुलाया और कुछ मसले ऐसा सके जो उन्होंने ऑन द स्पॉट ही हल किए ने मामले दर्ज किए ने और जोड़े मसले अंडर इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने उन्होंने आश्वासन दिता है भी जल्द ही उन्होंने उत्ते जी ठोस कार्रवाई जी की जाएगी। असी उन्हों का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने जी ड्यूटी SHO रॉबिन हंस जी की लगाई सी उन्होंने बखूबी निभाई है, उन्होंने भी दिलों धन्यवाद आ भी समाज दशकों उन्होंने समझते हुए जोड़ा निर्णय अच्छ लिता है बहुत ही सराहनीय है और मैं समाज में भी बेनती करता भी असी एक होकर रहीए ताकि साडे समाज के लोगों के उत्ते जो अत्याचार होंगे उन्होंने असी रोक सकी और बाबा साहब के दिते हुए अधिकारों की रक्षा कर सकी। इन्हों सारे चीज़ों के नाल मैं एक बार फिर तो सारे साथियों का धन्यवाद करदा भी इन्होंने जिन्होंने पीसफुली और वधिया तरीके दे नाल इस मूवमेंट नूं चलाया आ और भंडाल साहब वालों एक बार फिर धन्यवाद करदा उन्होंने भी और सारे साथियों का। जय भीम जय भारत। जय भीम जय संविधान। मेरा नाम जी अमन मूल निवासी भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर कोर कमेटी का सीनियर मैंबर। जिस तरह कि अज भंडारी पुल के उपर मूल निवासी समाज ने जिहड़ियां धक्केशाहियां लोग करते हैं उन्होंने बारे एक धरना च लिखा गया ही
पर मानयोग डीसीपी पंडाल साहब ने ऐसा धार्मिक समाजी जथेबंदियों ने जो सद्या उन्होंने एक दो दिन के आश्वासन दिता है कि उन्होंने दोषियों के जो परचे होने वाले किए जाएंगे तो जिन्हों की गिरफ्तारियां होने वाली उन्होंने गिरफ्तारियां की जाएंगी। पर असी सरकार तो पुलिस प्रशासन भी चेतावनी दें अगर दो दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने आश्वासन दिता अगर उन्होंने जोड़े परचे दर्ज ना किए गए तो इस तरह ही तीजे दिन भंडारी पुल का चक्का जाम किया जाए। हाँ जी अपने अमृतसर कमिश्नरेट के वक् थाने जोड़े भी कई मुकदमे दर्ज है 295 या एस सी एस टी एक्ट के रिगार्डिंग उस संबंधी जी समित कार्य है शबीर साथी उन्होंने वालों जो मैमोरेंडम दिता गया वा तो अब डी सी पी साहब वालों भी आश्वासन दिता गया जी भी इन्हें जो बनती कार्रवाई है रेंदे कुछ हैगी तफ्तीश वो जल्दी मुकम्मल करा के अजे भी जी पॉइंट्स आ सारे क्लीयर किए जाएंगे। माँ दुर्गा के नवरात्रि के चलते श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर सेंदा गेट में श्री दुर्गा स्तुति के चलते पाठों का भोग डाला गया जिसमें स्त्री सत्संग सभा की प्रधान इंदु शर्मा और उनकी मंडली ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर इंदु शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण संकीर्तन मंदिर में हर धार्मिक आयोजन पर माँ के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुँचते हैं। इस अवसर पर आशा संगीता रेणु डोली वीना कोमल रेखा आरती मीनू सुनीता किटी शोभा हीना नीरू आदर्श कौशल्या सुमन सपना सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतेंद्र की रिपोर्ट। Yeah.
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें रोहित राज सहगल एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषा अध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। फिर मनावा गनी प्रीतिये सिमरा मा शारदा कंठ करो परवेश जय जय मां तेरी आन रखना तेरी शान रखना तेरी आन रखना मेरी शान मैया बेटे का तुम ध्यान रखना मैया बेटे का तुम ध्यान रखना पहले खनपत पूजिए पाछे करिए का सभा दे अंदर बैठिया मेरी तेरी पत्थरा को मारा मेरी आन रखना मेरी शान रखना मेरी आन रखना मेरी शान रखना माँ बचड़ा विनती करे चिंतपूर्णी चिंता मेरी हरो काली दियो वरदान जय जय मां मेरी आद रखना तेरी शान रखना मेरी आद रखना मेरी शान रखना पेड़ा साडा डोलदा बिच सारा सानूगी दे ममता दुला माए नी हाथ जोड़ खड़े सोरे का तो सोना तेरा द्वार माए नी हाथ जोड़ खड़े तैनू पता किन्ना दिया किए मजबूरिया तैनू पता किन्ना दिया किए मजबूरिया कर दे मिया सा सब साड़िया भी पूरिया कर दे मिया सा पाए साड़िया भी पूरिया सुखी रहे साडा परिवार मायनी हाथ जोड़ खड़े स्वर्ग का तो सोना तेरा द्वार मायनी हाथ जोड़ खड़े दे दे वरदान सानू दुखा च ना डोलिए दे दे वरदान सानू दुखा च ना डोलिए रख के परोसा जयकारे तेरे बोलिए रख के परोसा जयकारे तेरे बोलिए तार नाल जुड़ी रहे तार माए नी हाथ जोड़ खड़े फरेगा तो सोना तेरा द्वार माए नी हाथ जोड़ खड़े
ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਵਾ ਸਵੇਰਾ ਜਾਵੇ ਹੋਵਾ ਮਿੱਠੇ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਜਾਵੇ ਹੋਵਾ ਬਿਲੇ ਤੇਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਿਆਰ ਮਾਏ ਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਸਵਰਗਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰ ਮਾਏ ਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। जालंधर के दमोरिया पुल के नजदीक एक व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। जालंधर के संतोखपुरा के नजदीक एक कैंटर और स्कॉर्पियो गाड़ी में हुई भीषण टक्कर, दो लोग हुए घायल। अमृतसर गुरदासपुर के गांव पहाड़ा में एक भट्टा मालिक से बंधुआ गरीब परिवार को छुड़वाया गया, जिलाधीश गुरदासपुर ने की कार्रवाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल।